और इसमें अभी तक मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बारे में मैंने बता दिया था, ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते। तो मैंने बताया था जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, क्योंकि मैंने बता दिया था कि कार्बन एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो टेट्रावैलेंसी होता है। टेट्रावैलेंसी मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, चार, और चार वैलेंसी में से ही खूब कनेक्शन कर लेता है। और वैसे भी होने को तो देखो सिलिकॉन की भी वैलेंसी चार होती है, ये भी टेट्रावैलेंट कंपोनेंट है, लेकिन जो कैपेसिटी कार्बन में होती है एक दूसरे को कनेक्ट करने की, वो कैपेसिटी सिलिकॉन में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये अगर कंपाउंड बनाने की कोशिश भी करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 कंपाउंड बना लेगा, बस ये चेन बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा 7 सिलिकॉन की, इससे ज्यादा इसकी बस की नहीं है, लेकिन कार्बन दुनिया भर के बना सकता है। ठीक है, तो मैंने हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बारे में लिखवाया था। एक अगला पॉइंट लिखना है डॉट बना के, सिलिकॉन ऑल्सो फॉर्म्स, सिलिकॉन ऑल्सो फॉर्म्स कंपाउंड्स, सिलिकॉन ऑल्सो फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन, विद हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये कि सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है, सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है और कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है। सिलिकॉन ऑल्सो फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन, कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच कंटेन चेन्स ओनली, विच कंटेन चेन्स ओनली, चेन ही होती है ना, तो रिंग होती है ना ब्रांच होती है, सिर्फ क्या होती है उनकी, चेन, चेन्स ओनली। और वो भी पता है जा सकता कितनी चेन रहती है, 7 या 8 हाइड्रोजन तक जाती है, बस लिख लो चेन्स ओनली अप टू, चेन्स ओनली अप टू 7 और 8 सिलिकॉन, चेन्स ओनली अप टू 7 और 8 सिलिकॉन, ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 सिलिकॉन तक होती है, 7 और 8 सिलिकॉन एटम्स, 7 और 8 सिलिकॉन एटम्स। ठीक है, दीज कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, दीज कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। तो कई बार पूछा जाता है कि कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ कंपोनेंट बनाता है, कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ बनाता है तो वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन, अगर सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ बनाता है तो वो क्या कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको कॉमनली कहा जाता है साइलेंस, क्या बोला जाता है, साइलेंस। ठीक है, तो लिख लो दीज कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड हाइड्रोजन, दीज कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड, दीज कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड साइलेंस या सिलेंस, सिलेंस या साइलेंस। ठीक है, आर वेरी रिएक्टिव, और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, आर वेरी रिएक्टिव, आर वेरी रिएक्टिव, सिलेंस आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, तो एक खासियत तो ये सिलिकॉन भी बना लेता है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा क्या बना सकता है, चेन, ना तो ये अपने कंपोनेंट्स की ब्रांच बना पाता है ना ही अपने एलिमेंट्स की रिंग बना पाता है, सिर्फ क्या बना सकता है, चेन। तो चेन से तो इतना काम चलता नहीं, लेकिन मैंने हाइड्रोजन में बताया था अभी, कार्बन में तो मैंने बताया ना कैटिनेशन की प्रॉपर्टी में चेन भी बना लेता है, ब्रांच
ब्रांच भी बना लेता है, रिंग भी बना लेता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ क्या बना पाता है, सिलिकॉन चेन, ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर इतना दम नहीं है जितना दम किसमें, कार्बन में, ठीक है। और दूसरी चीज, कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, ठीक है, जबकि सिलिकॉन के इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। कार्बन के अंदर जो बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस होती है वो इसके मुकाबले ज्यादा होती है, सिलिकॉन के मुकाबले। तो कितने किलो जूल की उसमें बॉन्डिंग होती है वो लिख लो। हाँ, एक डॉट बना के पॉइंट लिख लो, ये लिखना, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर मच स्ट्रॉन्गर, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर मच स्ट्रॉन्गर, आर मच स्ट्रॉन्गर, लगभग कितने होते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, लगभग कितनी एनर्जी उसमें चाहिए होती है, 355 किलो जूल पर मोल। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर मच स्ट्रॉन्गर, लगभग इतनी एनर्जी चाहिए। अगर हमें दो कार्बन के एटम को अलग करना है तो लगभग तुम्हें कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी, जबकि सिलिकॉन में सिर्फ इतनी चाहिए, सिलिकॉन में तुम्हें जरूरत पड़ती है सिर्फ इतनी एनर्जी की, यानी कि स्ट्रॉन्गनेस सबसे ज्यादा कहां पर होती है, कार्बन में। तो लिख लो इसी के अंदर, स्ट्रॉन्गर मैंने लिखवाया था ना, स्ट्रॉन्गर, और ब्रैकेट में लिखवाया था 355, फिर आगे लिखना ब्रैकेट बंद करके, लिखो, बट इन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड्स, बट इन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड्स 200 किलो जूल पर मोल, ब्रैकेट में लिख लेना, 200 किलो जूल पर मोल, 200 किलो जूल पर मोल। तो अगर एक्सप्लेन करने को आता है पेपर में कि कार्बन की जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन कीजिए, कार्बन के अंदर जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन कीजिए, यहां तक का जितना भी मैंने लिखवाया कैटिनेशन के हेडिंग से, ये सारा तुम्हें कैटिनेशन में लिख देना है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कंप्लीट थी सब कुछ, ठीक है। तो ये उसकी पहली खासियत थी कि कार्बन के अंदर क्या पाई जाती है, कैटिनेशन, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती है, कैटिनेशन बोलो या कैटिनेशन बोलो, ठीक है, एक खासियत तो ये थी। ये उसका पहला रीजन था कि वो जिसकी वजह से इतने ज्यादा बॉन्ड बना लेता है, कार्बन इतने ज्यादा बॉन्ड, इतने ज्यादा कंपाउंड्स बना लेता है, ये उसका पहला रीजन था। अब दूसरा रीजन लिखना, टेट्रा कोवेलेंसी, ये वैसे मैंने पहले भी बता दिया था, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो चार होती है, इसलिए कार्बन को कैसा बोला जाता है, टेट्रा कोवेलेंसी, टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। एक रीजन ये भी है उसका इतना ज्यादा कंपाउंड बनाने का, एक रीजन ये भी है कि उसकी कोवेलेंसी कितनी होती है, चार, ठीक है, मतलब वो अपने साथ चार और कनेक्ट कर सकता है, अगला कार्बन भी अपने साथ तीन और कनेक्ट कर सकता है, इस तरह से, तो टेट्रा वैलेंसी की वजह से वो इतने कंपोनेंट बना लेता है, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वही वाली थी, कैटिनेशन, वो ही अब तक कई बार पूछी जा चुकी है, लेकिन ये भी पूछी जाती रहती है, ठीक है, ऐसा नहीं। तो लिखो, कार्बन हैज अ वैलेंसी, कार्बन हैज अ वैलेंसी फोर, कार्बन हैज अ वैलेंसी फोर ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैंने बताया कि इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है कार्बन की। हाँ, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी का मतलब है ये अपने साथ कितने कनेक्ट करके रख सकता है, चार, ये चार अपने साथ कनेक्ट कर सकता है। हालांकि ये वैलेंसी तो सिलिकॉन की भी होती है, मैंने बताया था सिलिकॉन की भी वैलेंसी कितनी होती है हमारी, चार, बट जो कैपेसिटी कार्बन में होती है कनेक्ट करने की वो कैपेसिटी तो हमारे सिलिकॉन में नहीं होती है, ठीक है, ये अपने साथ कई सारे कंपाउंड बना लेता है। तो मैंने लिखवाया कार्बन हैज अ वैलेंसी
O4 due to small size carbon forms very strong bonds. Due to small size carbon forms very strong bonds with many elements very strong bonds with many elements such as hydrogen comma oxygen comma नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये कार्बन जो है इन सब के साथ कंपाउंड बना लेता है, लेकिन सिलिकॉन की गारंटी नहीं कि वो इतने सारे एलिमेंट्स के साथ कंपोनेंट बना सके। ठीक है, और दूसरी चीज ये बात है, कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड ही नहीं, डबल बॉन्ड भी बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। मैंने बताया कि किस तरह से डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो बॉन्डिंग बनाने की जो कैपेसिटी है वो भी इसके अंदर बहुत है। ठीक है, तो वो अगला रीजन है, ये दूसरा था। तीसरा लिखना, मल्टीपल बॉन्ड्स, इसके अंदर कैपेसिटी होती है ना मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है कार्बन। तो लिख लो मल्टीपल बॉन्ड में, कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स, ब्रैकेट में लिख लो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी, विद इटसेल्फ एंड विद अदर एटम्स, विद इटसेल्फ एंड विद अदर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, एंड विद अदर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, एंड विद अदर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब खुद के साथ तो बनाते ही बनाता है डबल और मल्टीपल, दूसरे एलिमेंट के साथ भी बना लेता है, विद इटसेल्फ एंड विद अदर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। लिख लो फॉर एग्जांपल, डबल बॉन्ड दिखा लो, एक ये डबल का दिखा दो, एक ट्रिपल का दिखा दो। तो इसके नीचे लिख लेना डबल, ये डबल बॉन्ड है, डबल मतलब इसमें डबल लाइनें होती है, तीन लाइनें हैं तो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ खासियत। और एक लास्ट रीजन और लिख लो, आखिर क्यों इतना ये वर्सेटाइल होता है कार्बन, उसका एक लास्ट रीजन वो लिख लो, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। इस पर टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बाद में भी आएगा, इसका टॉपिक बाद में भी निकल कर आएगा जब मैं जरा खुलकर बताऊंगा। देखो सिंपल सा मीनिंग है, मान लो तुमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये बताओ, मैंने रिंग बनाई है ना, रिंग इसलिए क्योंकि चारों कार्बन ने एक दूसरे को क्लोज कर रखा है, एक एरिया क्लोज कर रखा है, तो रिंग है। अब देखो इसी को मैं ऐसे बना रहा हूं, बताओ क्या ये रिंग है? ये रिंग नहीं है, ये क्या मानी जाएगी? चेन। ये मानी जाएगी चेन, ये मानी जाएगी रिंग। लेकिन देखो दोनों के अंदर कितने कार्बन के आइटम है? चार चार, इधर भी चार कार्बन के आइटम है, इधर भी चार कार्बन के आइटम है।
तुम देख सकते हो इस वाले में भी चार कार्बन के आइटम है, इसमें भी चार कार्बन के आइटम है, लेकिन मुझे बताओ क्या इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है रिंग, और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है चेन, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन दोनों के अंदर जो कार्बन एटम्स हैं वो तो सेम है, इसमें भी चार है इसमें भी चार है, तो यही होती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड वही होता है, कंपाउंड तो वही होता है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। तो मुझे बताओ इसका क्या मैं यही एक आइसोमेरिज्म बना सकता हूँ या और भी बनाया जा सकता है? और भी बन सकता है, देखो कैसे बनेगा। मुझे बताओ उसमें भी कितने चार कार्बन आइटम है ना, इसमें भी चार कार्बन आइटम, इसमें भी चार कार्बन आइटम, और बताओ चारों के चारों चार कार्बन आइटम है तीनों, तो हमने स्ट्रक्चर तो अलग अलग कर दिया लेकिन कार्बन आइटम उतने ही, कंपाउंड वही है, हमारा कंपाउंड वही चल रहा है लेकिन मैंने स्ट्रक्चर बदल दिए बार बार, यही खासियत कहलाती है आइसोमेरिज्म, और ये प्रॉपर्टी ज्यादातर कार्बन में ही पाई जाती है आइसोमेरिज्म की, ठीक है, और में भी चलती है लेकिन कार्बन में जरा ज्यादा है। आइसोमेरिज्म में लिखना, कहने का मतलब ये कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जो हम तीनों में देख सकते हो तुम, चार कार्बन चार कार्बन चार कार्बन, ठीक है, लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर अलग होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो लिख लो, इफ अ गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ अ गिवन मॉलिकुलर फॉर्मूला, इफ अ गिवन मॉलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स टू और मोर स्ट्रक्चर्स, रिप्रेजेंट्स टू और मोर स्ट्रक्चर्स, रिप्रेजेंट्स टू और मोर स्ट्रक्चर्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, Having different properties, ध्यान रखना उनकी properties भी different हो जाती है, Having different properties, this phenomenon, ये लिखी इस तरह, this phenomenon is called isomerism. This phenomenon is called isomerism. क्या कहलाता है ये सिस्टम, ये फेनोमेनन क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। This phenomenon is called isomerism. और जो अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं ये कहलाते हैं आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स लिख लेना इसी में, एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, इनको हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स, एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। तो यहां तक का हमने पढ़ लिया है कि कार्बन क्यों इतना वर्सेटाइल होता है, क्यों वो इतना पाया जाता है प्रकृति में, ठीक है, आखिर उसका जो नेचर होता है वर्सेटाइल, वो इतना वर्सेटाइल नेचर कैसे है और क्यों है, ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आए तो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, चैप्टर का नेक्स्ट मेन हेडिंग आ गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वैसे तो मेनली कार्बन कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं ऑर्गेनिक जो नेचुरली बनते हैं, ऑर्गेनिक कहने का मतलब ऐसे कंपाउंड जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, और इनऑर्गेनिक मतलब जिनको कैसे बनाया जाता है केमिकली। मुझे बताओ प्लास्टिक, प्लास्टिक
प्लास्टिक एक ऐसा कंपाउंड है जो नेचुरली नहीं बनता, प्लास्टिक को तैयार किया जाता है, ठीक है। बताओ फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर जितने भी होते हैं सब हमें बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब मैं तुमसे एक एग्जांपल पूछता हूं। मीथेन, ये नेचुरली ऑब्टेन होने वाली गैस है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब ऐसे कंपाउंड जो केमिकल कंपाउंड नहीं होते, जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट पॉइंट में लिखना, लिखो कंपाउंड्स लाइक, कंपाउंड्स लाइक यूरिया, जो हमारे यूरिन में होता है, कंपाउंड्स लाइक यूरिया कॉमा शुगर, ऑयल्स, फैट, कंपाउंड्स लाइक यूरिया शुगर ऑयल्स फैट प्रोटीन विटामिन्स, कंपाउंड्स लाइक यूरिया शुगर ऑयल्स फैट प्रोटीन विटामिन्स एक्सेट्रा, प्रोटीन विटामिन्स एक्सेट्रा, विच वर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग करना, जिनको किन से अलग किया जाता है, प्लांट से और एनिमल से। ये सब चीजें कहां पर पाई जाती हैं, प्लांट्स में और एनिमल में, उनसे अलग किया जाता है। विच वर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, विच वर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, विच वर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनको हम किन से प्राप्त करते हैं, लिविंग सब्सटेंस से, और लिविंग सब्सटेंस मतलब प्लांट और एनिमल। यूरिया शुगर ऑयल फैट ये सभी चीजें हमें किन से मिल जाती है, प्लांट और एनिमल से, दोनों के दोनों लिविंग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाली जो चीज होती है, वो सारे कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ध्यान रखना केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहां पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बातें करते हैं, जहां पर इसकी स्टडी करते हैं, वो ब्रांच कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नोट के अंदर लिख लो फर्स्ट पॉइंट, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन विच द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज टेकन, इन विच द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज टेकन इज कॉल्ड, इस टेकन इस कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोला जाता है उसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उस ब्रांच को क्या बोला जाता है जहां पर हम इसके स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो ऐसे सब्सटेंस जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि पृथ्वी, अर्थ वगैरह से हमें सॉल्ट वगैरह मिलता है, ठीक है, सी वाटर से हमें सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है, कई सारे मेटल ऐसे जिंक कॉपर ये सब हमें अर्थ से मिलता है, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड कैसे कंपाउंड्स माने जाएंगे, इनऑर्गेनिक, क्योंकि अर्थ एक नॉन लिविंग मैटर है। तो सेकंड डाल दो, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब लिखना लेको कंपाउंड्स लाइक कॉमन सॉल्ट, कंपाउंड्स लाइक कॉमन सॉल्ट कॉमा मार्बल, मार्बल का पत्थर होता है ना, मार्बल कॉमा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मार्बल कॉमा कॉपर सल्फेट कॉमा जिंक सल्फेट, कॉमा जिंक सल्फेट एटसेट्रा। इनको किन से निकाला जाता है? नॉन लिविंग थिंग से, ना कि लिविंग थिंग से। लिख लो विच वर आइसोलेटेड, विच वर आइसोलेटेड फ्रॉम, विच वर आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, विच वर आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जिन्हें हम किन से प्राप्त करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स से। विच वर आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, विच वर आइसोलेटेड फ्रॉम, विच वर आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम इन कंपाउंड की स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऐसी ब्रांच कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो नोट के अंदर लिख लो फर्स्ट पॉइंट में, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द स्टडी ऑफ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज टेकन, द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज टेकन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज टेकन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो दो तरह के कंपाउंड्स की हम बात करेंगे, हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, कई तरह के कंपाउंड्स होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और देखो सिंपल सा मीनिंग है, जितने भी कार्बन कंपाउंड है और जितने सिंगल बॉन्ड अप्लाई हो रहा है, तुमने देखा था मैं बहुत सारे एक्सप्लेन करे थे एग्जाम्पल सिंगल के, डबल के और ट्रिपल के। तो ध्यान रखना, ऐसे जितने भी कंपाउंड होते हैं जिनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है सिंगल, वो सारे के सारे कैसे माने जाते हैं? सैचुरेटेड। और जिनमें होता है डबल या फिर तुम्हारा ट्रिपल, वो सारे कैसे माने जाते हैं? अनसैचुरेटेड। तो हेडिंग डाल देना, नेक्स्ट हेडिंग इस चैप्टर का सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। पहले मैं स्ट्रक्चर बनवाता हूं, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये टॉपिक समझना काफी आसान हो जाता है। स्ट्रक्चर जब एक बार बन जाएगा तो स्ट्रक्चर बनने के बाद ये काफी इजी लगने लगेगा। तो पहले एक एग्जांपल लिखना। ठीक है, अभी मैं तुम्हें इथेन का बना के दिखा रहा हूं। इथेन देखो, इथेन का फॉर्मूला पहले लिख लेना। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। देखो देखकर ये पता चल रहा है कार्बन दो है और हाइड्रोजन के कितने एटम लगे हुए हैं? 6। देखो कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, दो कार्बन के एटम है। अब तुम्हें मालूम है कार्बन ने अपनी एक वैलेंसी को इधर लगा रखी है, कितनी बची? तुम्हें मालूम है टोटल होती है 4।
कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? चार। चार में से एक तो इसने इधर शेयर कर दी है, कितनी रह गई है? तीन। एक दो तीन। वही काम उस कार्बन ने भी करा है, उस कार्बन ने भी अपनी एक इधर शेयर कर रखी है, एक दो तीन। अब बताओ ये तीन तीन वैलेंसी जो खाली इन पर क्या कुछ चिपक जाएंगे? हाइड्रोजन। इन्होंने एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाया हाइड्रोजन का, ये हो गया। ये तो है सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है इसका सिंपल स्ट्रक्चर। कई बार बनाने को पूछा गया है। दो नंबर में इथेन का सिंपल स्ट्रक्चर। अब मैं इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। देखो कार्बन कार्बन को सर्कल में बनाओ, ये बन गया कार्बन कार्बन। ध्यान रखना एक लाइन का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, एक लाइन का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। तो बताओ भाई इनके बीच में दो लाइनें कहीं पे तो कितने इलेक्ट्रॉन? चार इलेक्ट्रॉन। और हमेशा ध्यान रखना आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है इनका, ठीक है। पहले तो तीन हाइड्रोजन चिपका दो साइड में, देखो इस पर भी तीन हाइड्रोजन चिपक रही है, तो मैंने इधर भी तीन चिपका दी। इस वाले कार्बन पे भी तीन लग रही है, तो इधर भी मैंने तीन लगा दी। और इन सब में मैं क्या भरूंगा? एच। एच का मतलब क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से मैंने ये भर दिया, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग दिखाना। डॉट से दिखा दो पहले हाइड्रोजन के, एक दो तीन चार पांच छ। हाइड्रोजन के मैंने डॉट से दिखाए, कार्बन के क्रॉस से दिखा दो ताकि तुम्हें डिफरेंस मालूम हो जाए। अब देखो सबका सेटिस्फाई हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का तो डॉट से दिखा दिया है, कार्बन क्रॉस है तो क्रॉस मैंने इधर बांट दी इस तरह से, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में भी एक लाइन थी, एक लाइन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन, तो तुम देख सकते हो दो क्रॉस बने हुए हैं। हाँ मैंने दोनों के दोनों क्रॉस इसलिए बनाया क्योंकि एक क्रॉस इस कार्बन ने दिया है और एक क्रॉस इस कार्बन ने दिया है, ठीक है। तो मुझे बताओ इन दोनों कार्बन के बीच में कितने पेयर शेयर किए गए हैं? सिर्फ एक ही पेयर शेयर हो रहा है ना, ओनली वन पेयर शेयर। सिर्फ कितने पेयर शेयर किए गए हैं? एक, ओनली वन पेयर शेयर। और ध्यान रखना जब भी एक पेयर शेयर किया जाता है तो कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। और जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो ऐसा कंपाउंड क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। यानी कि इथेन हमारा क्या होता है? सैचुरेटेड। इथेन हमारा कैसा कंपाउंड माना जाता है? सैचुरेटेड, ठीक है। तो इसको वीडियो पोस्ट करके ड्रॉ कर लेना। अब अगला देखते हैं, कैपिटल बी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। अब मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें प्रोपेन, तो प्रोपेन का सिंबल लिख लेना C3H8, C3H8। तो देखो देखकर ही पता चल रहा है कार्बन कितने हैं? तीन, और हाइड्रोजन कितने हैं? आठ। कार्बन है तीन और हाइड्रोजन है आठ, ठीक है। तो देखो तीन कार्बन आ गए, तीन कार्बन आ गए, और तुम्हें मालूम है इस कार्बन की भी तीन वैलेंसी बची हुई है अब, लेकिन इस कार्बन की तीन बची है नहीं। देखो इस कार्बन ने एक इधर दे दी, एक इधर दे दी, दो ही बची हुई है। या इस कार्बन की तीनों बची हुई हैं, यहां पर आ गया, लगा दो हाइड्रोजन। तो हमने सारी हाइड्रोजन कनेक्ट कर दी, ये तो हो गया इसका सिंपल स्ट्रक्चर। अब हम बना सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना काफी आसान है, ठीक है। ऊपर का रब कर लेते हैं। अब इन्हीं को मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा? सर्कल में। देखो तीन कार्बन है और इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो छोटे छोटे तीन लगा दो। बीच वाले कार्बन पे दो लगे हुए हैं, साइड वाले कार्बन पे भी तीन लगे हुए हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, अब सब पे हाइड्रोजन भर दो, H। अब मुझे बताओ कार्बन कार्बन में भी कनेक्शन हो रहा है और एक एक पेयर का कनेक्शन है ना, इसका मतलब क्रॉस दिखा दो बीच में। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाना,
और कार्बन के लिए क्रॉस, छोड़ना जाए ध्यान से करना थोड़ा। हो गया ना सारा, ये बचा ठीक है। तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ध्यान से बताओ कार्बन कार्बन के बीच में कितने पेयर शेयर हो रहे हैं अभी भी। यहाँ पर भी देखो एक पेयर शेयर हो रहा है, यहाँ पर भी एक पेयर शेयर हो रहा है ठीक है। तो जब भी एक पेयर शेयर होता है तो कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड है ना। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन भी हमारा क्या माना जाएगा, सैचुरेटेड। तो वहां पे एरो बना के लिख लेना प्रोपेन के सामने सैचुरेटेड, ऐसी बॉन्डिंग क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड ठीक है। तो देखो अगला एक एग्जांपल और लिख रहा हूं मैं, सी बना देना। सी में लिखना इथीन, इथीन ETH-EN-E, इथीन। इसका सिंबल लिख लो C2H4, C2H4। इसको ये भी बोलते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ, एथिलीन। क्या बोलते हैं इसको, एथिलीन। अब देखो देखने से पता चल रहा है दो कार्बन और हाइड्रोजन है चार, दो कार्बन और हाइड्रोजन है चार। तो देखो पहले तो दो कार्बन कनेक्ट कर देते हैं। अब तुम्हें मालूम है अगर दो कार्बन कनेक्ट कर दिए तो इसकी अभी भी तीन सेटिस्फाई नहीं हुई है ना, और इसकी अभी भी तीन बची हुई है, मतलब दोनों कार्बन की कितनी कितनी बची हुई है, तीन तीन, दोनों कार्बन की अभी तीन बची। तो तुम देख सकते हो सिर्फ कार्बन के दो ही एटम है और हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम है, चार। लेकिन तुम्हें अच्छे से मालूम है, देखो कार्बन की चार वैलेंसी होती है और चार में से सिर्फ एक इसने इधर दे रखी है, इसकी कितनी बाकी है, तीन। इस कार्बन की भी चार वैलेंसी है, इसने भी एक दे रखी है, सिर्फ कितनी बाकी है, तीन। कहने का मतलब ये इसके पास तीन खाली पड़ी हुई है और इसके पास भी तीन खाली पड़ी हुई है। लेकिन एक कार्बन के हिस्से में कितने हाइड्रोजन आ रहे बताओ, बराबर बराबर बताओ, दो कार्बन है और हाइड्रोजन है चार, तो दोनों कार्बन के बराबर बराबर में हिस्से दो आई दे रहे बताओ, दो हाइड्रोजन ये ले लेगा, दो हाइड्रोजन ये ले लेगा। तो मुझे बताओ जो एक वैलेंसी इधर से बची, एक वैलेंसी इधर से बची ठीक है। कहने का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा है, इन्होंने दो दो हाइड्रोजन तो बांट लिया आपस में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी दोनों के लिए एक पेयर बचा हुआ है, वो आपस में क्या कर रही है, डबल बॉन्डिंग। इसने भी अपनी एक वैलेंसी इधर दे दी, इसने भी इधर दे दी, दोनों ने मिलाकर एक लाइन बना ली। अब मुझे बताओ डबल बॉन्ड हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड हुआ है, सिंगल बॉन्ड ही अभी भी। अब डबल हो गया है ना, इसका मतलब एथिलीन कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड। कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड, क्योंकि यहां पर बॉन्डिंग कैसी की गई है, डबल ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, दो कार्बन थे, ये प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा होगा, दो कार्बन थे ठीक है, दो कार्बन एटम्स थे एक्चुअली। तो दो कार्बन एटम्स थे और दोनों पर कितने हाइड्रोजन लग रहे थे, दो दो, एच 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 सी सी। अब मुझे बताओ कार्बन कार्बन के बीच में कितने पेयर दिख रहे हैं, दो पेयर। एक पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, तो दो पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। पहले कार्बन कार्बन के बीच में कर दो क्रॉस 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 क्रॉस, चार इलेक्ट्रॉन ये आ गए। कार्बन ने एक इसे भी दे रखा है, एक इसे भी दे रखा है, एक इसे भी दे रखा है, एक इसे भी दे रखा है। वही काम हाइड्रोजन ने कर रखा है, हाइड्रोजन ने भी एक दे रखा है, इसने भी दे रखा है, इसने भी और इसने भी, एक एक हाइड्रोजन ने दे रखे हैं ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एथिलीन का ठीक है। आप तो मेरी तरफ से एक बार आकर देखो, एथिलीन तो नहीं दे रहा मैं तो मैं दे रहा हूं प्रोपीन ठीक है। प्रोपीन का मैं तुम्हें सिंबल लिख देता हूं, ये होता है तुम्हारा C3H6 ठीक है। और ब्यूटीन का भी ले लो ठीक है, ब्यूटीन का ले लो C4H8। फटाफट से बनाकर देखना, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर बना के लाना और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के लाना और मुझे बताना कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ध्यान से बनाना,